बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब को हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कराची के लोगों, सिंध के लोगों के लिए कदम उठाया, इस हिसाब से कि लोगों को ये आईटी का कोर्स जो करवाया है बहुत अच्छा और ज़बरदस्त, इसमें काफ़ी लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे माशाल्लाह। देखें, ये कहीं नहीं होता कोर्स, बहुत मुश्किल और बहुत पैसों से लगता है कोर्स ये होता है, जिसके पास पैसे नहीं, हालांकि बच्चे जो हैं अच्छा पढ़े हुए हैं, काफ़ी पढ़े हुए हैं, तो उनको अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी आगे तो क्या आगे क्या बढ़ेंगे। तो इसी हिसाब से एक साहब ने इम्तिहान दिया है वहाँ जाके माशाल्लाह, तो वो उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। आज हम उन साहब के पास पहुँचे हैं, तो अभी आपसे उनकी बात करवाते हैं और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, कैसे पेपर दिया है, तो इस हवाले से बात करते हैं। तो आइए चलते हैं अभी हम बाबर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशा। सबसे पहले तो आप गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करें कि आप जिसमें पास हो गए, आपने पेपर दिया अपनी मेहनत से, तो आप ये ज़रा हाल हवाल दें, किस हिसाब से आपने ये कोशिश की, या आपको कैसे ये शौक़ लगा? ऑलरेडी आप मेरे ख्याल में कंप्यूटर का काम भी करते हैं, तो इस हिसाब से ज़रा आगाही कीजिएगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कंप्यूटर का काम जो है वो काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, और इसी हवाले से ये आईटी का कोर्स जो है गवर्नर साहब ने जो है ये इनिशिएटिव लिया है, ये मेटावर्स वेब 3.0 और एक और कोर्स है, तो उस हवाले से फिर जो है हमने इम्तिहान दिया ऑनलाइन, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें मैं क्लियर हो गया हूँ। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टेप है। तो गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये सिंध की आवाम के लिए जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। अच्छा, ये सब तकरीबन मेरे ख्याल में सिंध सखर से भी लोग आए हैं, तो आपने कैसे, ये आपको कैसे शौक़ हुआ, या आपको कैसे आप सिलेक्ट हो गए, आपको कितनी खुशी महसूस की है आपने? बहुत खुशी महसूस हो रही है, ज़्यादा खुशी उस टाइम महसूस होगी जब ये कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो बिल्कुल यूं समझ लें कि इनिशियल स्टेज है, और अंदरूनी सिंध से भी काफ़ी लोग आए हैं, बदीन से, सखर से, और काफ़ी रूरल एरिया से भी लोग आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस काविश में, जो इन्होंने गवर्नर सिंध साहब ने ली है, बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। और इसके अलावा और जितने भी ये इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत अच्छे, वो हमें वहाँ पर नज़र आया, क्योंकि राशन की तकसीम और भी इनामात जो दे रहे हैं, अभी आगे चल के ये उनकी कुरंदाजी होगी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा खुशी उस टाइम मुझे महसूस होगी या होगी जब ये कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हम पास आउट हो जाएंगे, तो फिर मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और जब हम माशाल्लाह से जिस तरह वो वादे कर रहे हैं कि अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया 10 से 20 लाख रुपए आप आराम से महाना कमा सकते हैं, तो अगर हम उस टाइम जब इस काबिल हो जाएंगे कि हम 10 से 15-20 लाख कमाएँगे महाना, तो फिर ज़्यादा ज़ाहरी बात है वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपको पेपर में कुछ ऐसे मुश्किलात को तो नहीं हुई, या आपने कैसे पेपर को पूरे को हल कर दिया जिस वजह से आपको यकीन था कि मैं पास हो जाऊंगा, या कंप्यूटर का क्या क्या काम आप कर लेते हैं मज़ीद? कंप्यूटर का काम तो मैं मुख्तलिफ काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, और जब पेपर इनका थोड़ा पहले 2-4 जो है बैजेस के हुए, तो मुझे आइडिया हो गया था पेपर का कि किस तरह का जो है ये पैटर्न है, तो उस हवाले से फिर मैंने जो है ऑनलाइन जाके उसकी तैयारी की, उस तरह के पेपर सॉल्व किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पढ़ के गया था और पेपर में भी वही चीज़ें आई हुई थी, और अक्सर बच्चों ने जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो तैयारी की थी, ज़्यादातर इसमें मैथ्स के सवाल थे और इंग्लिश के थोड़ा बहुत था, इंग्लिश का, और थोड़े बहुत जो है उसमें आईक्यू के भी सवाल थे।
बिल्कुल, तो आप इंशाल्लाह, आपको मुबारक हो, तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इसमें आप आगे जब आगे आपने जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है, तो आपने खूब मेहनत करनी है ताकि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। तमाम के तमाम जितने भी भाई सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप मेहनत आप खूब कीजिएगा। बिल्कुल, जिनका किस्मत थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, सही है। इसके साथ ही इजाज़ अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।